8 अगस्त 1951 नागपुर अंतरिम विधानसभा मध्य प्रांत। एक आदमी खड़ा होता है और 14 पन्ने का इस्तीफा पढ़ने लगता है। उसका आखिरी वाक्य तिब्बत को चीन को सौंप देने के संताप से सरदार पटेल की आत्मा स्वर्ग में भी छटपटा रही होगी। इस्तीफा देने वाला आदमी था डीपी मिश्र, नेहरू का विरोधी मगर उनकी बेटी इंदिरा का चाणक्य और अटल के चाणक्य ब्रिजेश मिश्र का पिता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे द्वारका प्रसाद मिश्र की। पटेल मरे तो क्या कांग्रेस, क्या सरकार, सब जगह नेहरू का एक छत्र राज हो गया। मगर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की एक जोड़ी थी जो नेहरू को चुनौती देने की तैयारी कर रही थी। इसमें शामिल थे मुंबई के मुरारजी देसाई और बिहार के श्रीकृष्ण सिन्हा। इनके पीछे दिमाग काम कर रहा था द्वारका प्रसाद मिश्र का, और इसी अभियान को गति देने के लिए उन्होंने नेहरू की खुलेआम आलोचना करते हुए इस्तीफा दे दिया। फिर एक नई पार्टी बनाई, भारतीय लोक कांग्रेस। लेकिन ऐन मौके पर मुरारजी और सिन्हा थम गए। जब पत्रकारों ने बंबई में मुरारजी से पूछा कि क्या वे भी इन्हीं कारणों से कांग्रेस से त्यागपत्र देना चाहेंगे, तो मुरारजी बोले, ये मसले इतने बड़े नहीं हैं कि मैं कांग्रेस से त्यागपत्र दे दूं। और श्रीकृष्ण सिन्हा ने तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अकेले पड़े डीपी चुनाव लड़े 3 जगहों से, जबलपुर, छिंदवाड़ा और नागपुर। तीनों जगहों से हारे, पार्टी की भी छींचा लेदर हुई और फिर डीपी 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में चले गए। साल 1954 में मंडला की नैनपुर मोहगांव सीट पर उपचुनाव होना था। डीपी मिश्र यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उतरे। कांग्रेस ने उनके खिलाफ उतारा सुरेंद्र लाल झा को। कांग्रेस हाईकमान को आशंका थी कि यहां मिश्र की उनके दोस्त और मध्य भारत के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल मदद कर सकते हैं। सो इस मदद को रोकने के लिए ऊपर से 2 आदमी, मन्नू लाल द्विवेदी और तारकेश्वरी सिन्हा, विशेष प्रेक्षक बनाकर भेजे गए। सो साहब यहाँ भी चुनाव हार गए। हालांकि बाद में चुनाव याचिका में फैसला उनके पक्ष में आया। इस याचिका को याद रखिएगा क्योंकि इसने मिश्र की इज्जत और उनकी राजनीति को बचाया। मगर एक और चुनावी याचिका ने उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसकी कहानी तो बाद में सुनाएंगे। के विधानसभा चुनाव और फिर उपचुनाव हारने और नेहरू से दुश्मनी के कारण डीपी मिश्र नेपथ्य में चले गए थे, पर उनके दोस्त और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल ये सब देख नहीं पा रहे थे। उन्हें छटपटाहट हो रही थी, सो वो रह के मिश्र की मदद करते रहते थे। 1956 में उन्होंने डीपी मिश्र को सागर विश्वविद्यालय का कुलपति बनवाया, वो भी तब जब मिश्र ये चुनाव इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के हाथों हार चुके थे। रविशंकर शुक्ल ने तब अपने मुख्यमंत्री और कुलाधिपति होने के अधिकार का प्रयोग किया, डॉक्टर त्रिपाठी का निर्वाचन तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया। दोबारा चुनाव के पहले 16 नए सदस्यों को शुक्ल ने कार्यपरिषद में नामित करवाया। फिर चुनाव के वक्त खुद सागर में डेरा डालकर बैठ गए और मिश्र को जितवा के ही माने। मगर उनका ये दांव उन पर भारी पड़ा क्योंकि इसकी खबर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच गई। वो काफी नाराज हुए, एक चिट्ठी लिख डाली जिसमें लिखा था, आपका निकुब्ज ब्राह्मणों का आधिपत्य बढ़ा रहे हैं। शुक्ल इसके बाद भी नहीं माने। 1957 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशियों की लिस्ट दिल्ली भेजी, इसमें भी डीपी मिश्र का नाम डलवा दिया। 30 दिसंबर 1956 की शाम रविशंकर इस लिस्ट पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे, पर खुद उनका टिकट काट दिया गया, गवर्नर बन जाने का प्रस्ताव दिया गया। अगले रोज 78 साल के शुक्ल हार्ट अटैक के चलते मर गए। बात 1953 की है, जब जनसंघ के गठन के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बंदी बना लिए गए, फिर वहीं जेल में उनका निधन हो गया। अब जनसंघ को एक नए अध्यक्ष की जरूरत थी। आरएसएस के अनेक नेता उस वक्त चाहते थे कि डीपी मिश्र को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए,
पर संघ के उस वक्त के सर्वे सर्वा एमएस गोलवलकर इस बात से सहमत नहीं हुए और इसकी वजह था जेल के दिनों का एक इंस्पेक्टर। दरअसल 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद गोलवलकर भी बंदी बना लिए गए थे। सिवनी के केंद्रीय कारागार में गोलवलकर को एक सहायक भी दिया गया। ये गुप्तचर विभाग का इंस्पेक्टर था। इसे डीपी मिश्र ने ही भेजा था। धीरे धीरे ये इंस्पेक्टर गुरुजी का विश्वासपात्र बन गया। उसने गोलवलकर के बारे में ऐसी बातें जान ली जो गोपनीय के कोष्ठक में लिखी जाती हैं, और जाहिर है कि फिर यही बातें डीपी मिश्र के कानों तक भी पहुंच गई। शुरुआत में संघ सुप्रीमो को इसका फायदा हुआ। डीपी के जरिए ही गोलवलकर और भारत सरकार के बीच पत्राचार शुरू हुआ, फिर समझौता हुआ और संघ से प्रतिबंध हटा। गोलवलकर भी जेल से रिहा हुए। इसी अनुभव के चलते गोलवलकर के सामने जब डीपी का नाम आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। राजनीति के अध्येता मानते हैं कि गुरुजी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की नर्सरी में पला बढ़ा कोई नेता जो उनके जेल के दिनों के राज जानता हो संघ की राजनीतिक इकाई का मुखिया बने। वह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि 1953 में उन्होंने जनसंघ का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि इस पार्टी में पूंजीपतियों का प्रभाव था। वापस कांग्रेस की उस वक्त की पॉलिटिक्स पर लौटते हैं। चीन पर नेहरू की नीति की आलोचना कर इस्तीफा देने वाले प्रकरण को अब 12 बरस बीत चुके थे। डीपी के संदर्भ में एक और लाभकारी बदलाव हुआ था इन वर्षों में। उन्नाव के उमा शंकर दीक्षित अब नेहरू की किचन कैबिनेट का हिस्सा बन चुके थे। नेहरू से ज्यादा उनकी बेटी इंदिरा उमाशंकर पर भरोसा करती थी। ये वही दीक्षित हैं जिनकी बहू शीला ने 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली, और यही उमाशंकर डीपी के भी दोस्त थे। उन्होंने ही डीपी की वापसी की जमीन तैयार की। तब तक मिश्र निजी बातचीत में नेहरू से अपनी गलतियों के लिए खेद भी जता चुके थे, और नेहरू भी 1962 में चीन के हमले के बाद सही नहीं रह गए थे। इसी वक्त इंदिरा ने डीपी को दिल्ली बुला लिया। केंद्रीय नागरिक परिषद में, जिसकी वह खुद मुखिया थी, डीपी मिश्र को इस परिषद में जनसंपर्क का काम मिला। यहां उन्होंने झमक के काम किया, इंदिरा गांधी से घनिष्ठता और बढ़ा ली। इसी दौरान मिश्र की सलाह पर सिनेमाघरों में फिल्म शुरू करने से पहले राष्ट्रगान का चलन शुरू हुआ, और संयोग से इसी वक्त रायपुर जिले की कसडोल विधानसभा सीट वहां के विधायक भूपेंद्र नाथ मिश्र के निधन के चलते खाली हो गई। मार्च 1963 में जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो रायपुर कांग्रेस कमेटी ने मिश्र का नाम कसडोल से आगे बढ़ाया। स्थानीय नेतृत्व ने हमेशा की तरह इसका विरोध किया। इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भगवंत राव मंडलोई। उन्होंने गेंद हाईकमान के पाले में डाल दी। यहाँ मिश्र के साथ इंदिरा थी ही, उन्हें टिकट मिला और वो जीत कर विधायक भी बन गए। इसके कुछ हफ्तों बाद आया कामराज प्लान। मध्य प्रदेश के सिटिंग सीएम भगवंत राव मंडलोई को इस्तीफा देना पड़ा। मंडलोई के हटने के बाद एक बार फिर नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई। डीपी ने इस संदर्भ में सबसे पहले नेहरू को खुश किया। उनके खास और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू का नाम प्रस्तावित किया। आम सहमति का राग भी अलापा, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि काटजू के सामने आ गए थे विदिशा के तखतमल जैन। तय हुआ कि चुनाव होकर रहेंगे। डॉक्टर काटजू पीछे हट गए और डीपी इसी वक्त आगे आ गए। मुकाबला अब तखतमल वर्सेस डीपी मिश्रा था, पर यह लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। जीत के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए। पहली बार विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। मिश्र ने तुरुप के पत्तों की तरह 18-20 विधायकों को सागर में एक गुप्त स्थान पर रखा, और चुनाव के ठीक पहले सड़क मार्ग से उन्हें भोपाल लाया गया। मुकाबला कड़ा था। जब गिनती हुई तो तखतमल के साथ 64 विधायक थे, जबकि डीपी के साथ 83, और इन्हीं 19 विधायकों के फासले के साथ वो हो गया जिसकी हसरत रविशंकर शुक्ल ने पाली थी कि मेरे बाद मेरा दोस्त द्वारका प्रसाद सीएम बने, जिसके लिए वह विधायकी का टिकट मांगने दिल्ली गए थे और फिर जीवित नहीं लौटे थे। मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में बताएंगे डीपी के इंदिरा का चाणक्य बनने की कहानी, फिर संजय गांधी को लताड़ने की कहानी भी, और इन सब से पहले
एक रानी के साथ उनकी अदावत का किस्सा। मुख्यमंत्री लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज। इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत करवाइए। अगर YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो दी लल्लनटॉप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और Facebook पर देख रहे हैं तो दी लल्लनटॉप के पेज को लाइक करें। और अब तो लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सबसे बड़ा फायदा, सारे पॉलिटिकल किस्से सोशल मीडिया से भी घंटों पहले ऐप पर अपलोड होते हैं। शुक्रिया।